सर, ये बॉडी एक्सचेंज ट्रेड सनसनी किस मामला आया है, क्या है पूरा मामला और क्या कर रहे हैं तरह से उस मामले में? भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में 27 अक्टूबर की बात है, उस दिन दो डेथ हुई थी, उसमें से एक कुंजीमन नाम के व्यक्ति हैं और एक खुशीलाल। और उसमें जो इनिशियली जो कुंजीमन है उनकी बॉडी को खुशीलाल के परिवार वालों को सौंप दिया गया था, और खुशीलाल के परिवार ने परिजनों ने कुंजीमन की बॉडी का अंतिम संस्कार किया है। इस तरह का एक मैटर आया है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल का, और इसमें प्रथम दृष्टया ये है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है, और जो मृतक खुशीलाल है उसके परिजन कुंजीमन की बॉडी ले गए थे जिन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है, उनकी भी प्रथम दृष्टया इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही इंगित होती है। और इसमें अभी कुंजीमन के परिजन जो हैं वो यहाँ थाने पर हैं और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, संबंधित के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? उसमें संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। अभी जिस तरह के मैटर्स, जिस तरह का तथ्य आए हैं उसके आधार पर उसमें कार्रवाई की जा रही है। हिरासत में सर लिया गया? अभी हिरासत में किसी को नहीं लिया। सर, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे कि बहुत बड़ी लापरवाही है कि हिंदू धर्म में होने के बाद अपने पिता या अपने परिवारजन को पहचान नहीं पाए वो बॉडी। जी, ये एक्चुअली अब ये पूरा मैटर इन्वेस्टिगेशन का है कि किन कारणों से नहीं पहचान पाया, तो वो सब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, कुंजीमन की फैमिली का क्या कहना है आपसे? कुंजीमन के परिजनों ने शिकायत की कि उनके जो डेड बॉडी थी वो किसी और को दे दी है, तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। उसी उन्हीं की शिकायत अभी एफ आई आर कर दी गई है। एफ आई आर चल रही है।